जहां से वह 15 तारीख को मतदान होना है, जिसको लेकर आज से चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। ऐसे में प्रत्याशियों ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। क्या नाम है आपका? सतीश राज। कहाँ रहते आप? मसाई। कौन से पद से चुनाव लड़ रहे? लाल। क्या है चुनाव चिन्ह आपका? चुनाव चिन्ह का कौन है सर? हेलो। तो आप राजनीति में आने का क्या मकसद है आपका? सर, राजनीति का तो ये है कि मतलब सोचती हमारी ये एक बार हम चुनाव जब लड़ेंगे, आज हमें यूनिफॉर्म वो करना है, तो हमने सोच पूरी करना चाहते हैं। और जनता हम जो चाहती है तो जनता सेवक जनता की है, तो मतलब जनता के पक्ष में हम चलेंगे, जो जनता कहेगी वो हम मान करेंगे चलेंगे। आप चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे आप? जो जनता कहेगी वो करेंगे, हम विकास करेंगे गाँव का। जनता चाहेगी उसके साथ रहे। अभी जब हम गांव के अंदर आ रहे थे तो गांव की सड़कें की हालत बड़ी जर्जर खस्ता है। आप उसको कैसे बनवाएंगे? सर, उसे तो जब बन जाएंगे यार, जनता चाहे हमको चाहती है तो फिर मतलब जब बन जाएंगे तो ऑफिस करेंगे उसकी, तो ऑफिस करेंगे तो। आपके गांव के अंदर पानी की भी बहुत समस्या है, और घर घर पानी कैसे पहुंचाओगे कि घर घर पानी पहुंच जाए? सर, घर घर पानी की तो मतलब नल लगवाएंगे या मतलब हैंड पंप लगवाएंगे, व्यवस्था ना कोई ना कोई तो व्यवस्था करेंगे। गांव के अंदर शिक्षा को लेके बहुत बड़ी समस्या है। गांव का बच्चा शिक्षित नहीं हो पाता, पढ़ नहीं पाता, गांव में स्कूल ना होने से हर आदमी शहर नहीं भेज सकता अपने बच्चे को। तो आपके क्या प्रयास रहेंगे शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए मतलब स्कूल भी खुलवाया जाएगा और बच्चों के लिए लगाव से भिजवाया जाएगा, मतलब कोई बच्चा मतलब रह ना पाए, अच्छी तरह से लगन से पढ़े, गांव के अंदर आगे बढ़े। गांव के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, गांव के अंदर कोई बीमार होता है तो गांव के अंदर हॉस्पिटल ना होने से झांसी भागना पड़ता है और झांसी की दूरी काफ़ी है यहाँ से, तो एक चिंता का विषय रहता है। तो आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे कि गांव के अंदर भी कोई? वो भी कोशिश करेंगे गांव में भी अस्पताल, डॉक्टर बैठने की व्यवस्था करें। आप चुनाव जीते तो सबसे पहले कौन सा विकास करेंगे गांव के? पढ़ाई का रोडों का और रास्ताओं का, मतलब पानी का। हाँ, आप चुनावी मैदान में खड़े हैं, गांव के अंदर आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो गांव की जनता का कितना प्रेम स्नेह आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब गांव की जनता आप पे सब बिल्कुल आशीर्वाद आपको दे रही है? हाँ, जनता आशीर्वाद दे रही है, तो उसी आशीर्वाद से जनता के साथ रहेंगे, जो जनता कहेगी उनके साथ।